बीजेपी सांसद रमेश विधोड़ी ने लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा वो हमने आपको दिखाया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह की भाषा को क्या स्वीकार किया जा सकता है। लोकतंत्र का मंदिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं थकते हैं। बीजेपी के तमाम सीनियर नेता इस बात को बार बार कहते हैं कि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और वहां पर अपने एक साथी सांसद के लिए इस तरह की भाषा, बीएसपी के सांसद दानिश अली को लेकर जो कुछ रमेश विधोड़ी ने कहा उस पर अब बवाल मचा हुआ है। लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ, कड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है, कड़ी फटकार सामने आती है, क्या इससे भर से ही बात बनने वाली है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, इस तरह की भाषा कैसे एक्सेप्टेबल हो सकती है लोकसभा के अंदर? जी आदर जी, एक्सेप्टेबल है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये इस तरह की भाषा पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। देखिए, जो पीठासीन पदाधिकारी थे उन्होंने एक बार भी नहीं रोका, इसका मतलब एक्सेप्टेबल है। भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी मंत्री हैं, डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी मंत्री थे, बल्कि रविशंकर प्रसाद जी पूर्व मंत्री हैं, या इन लोगों को भी एक्सेप्टेबल है, हंस रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। तो वो तो राजनाथ सिंह जी जैसे कुछ पुराने वरिष्ठ नेता हैं जिनको लगता है कि ये भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है और वो माफी मांगते हैं तो कुछ पर्देदारी होती है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर बोलना हमारा गुनाह है, हम गुनाह कर रहे हैं कि उस जगह को लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे हैं। क्यों मंदिर बोलते हैं हम, बेवजह क्या इन्हीं दिनों के लिए मंदिर बोलते हैं? ये हमारा गुनाह है कि हम इनको मंदिर के से तुलना करते हैं। इन बोलने वालों का तो कि तो कोई पराकाष्ठा नहीं है, अभी ये अंतिम नहीं है, ये समझ ले कि हम कहते कि सीमा लांग ली गई है, अभी और निकृष्ट लेवल जो है वो आना बाकी है। आप कहते हैं हम लोग कहते हैं सड़क छाप भाषा है, अरे सड़क छाप भाषा में तो व्यक्ति व्यक्ति के खिलाफ बोलता है ना, ये तो पूरे समुदाय के खिलाफ बोला जा रहा है, ये तो सड़क छाप भाषा से डिफरेंट एक भाषा है। हम इसको संसद की भाषा, संसदीय भाषा बोलेंगे, न्यू विस्टा भाषा बोलेंगे, नई संसद की भाषा बोलेंगे, ऐसी भाषा कभी नहीं आई थी कि पूरे समुदाय को ऐसे ऐसे शब्द जो हम कैसे रिपीट करें, लेकिन रिपीट ना करें तो पब्लिक को समझ में भी ना आए, फिर भी मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो बोले जा रहे हैं ये शब्द व्यक्ति को नहीं समुदाय को बोले जा रहे हैं। अपने साथी सांसद, अगर मुझे ये पता चल जाए कि दानिश अली से कुछ झगड़ा था विधोड़ी जी का, तो मैं बोलूं कि बहुत अच्छा है, चलो व्यक्ति व्यक्ति को गाली दे रहा था, ये बहुत अच्छी स्थिति है, कम से कम एक हिंदू एक मुसलमान को तो गाली नहीं दे रहा। लेकिन सर उस गाली गलौज के लिए तो संसद बनी नहीं है ना, आपका झगड़ा भी है तो वो आप बाहर करेंगे संसद के भीतर, और चर्चा के दौरान इस तरह की भाषा ये तो बहुत। जी मैं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज करूं भी तो कहां तक करूं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे तो दो व्यक्ति का झगड़ा समझ करके इसको अमान्य कर दिया जाए, लेकिन एक हिंदू एक मुसलमान को गाली दे, एक सत्ताधारी दल एक विपक्षी दल के नेता को गाली दे, ये कैसे एक्सेप्टेबल होगा? लेकिन दुर्भाग्य है एक्सेप्टेबल है, पीठासीन अधिकारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है, इसको तो इमीडिएट पीठासीन पदाधिकारी को बोलना चाहिए कि ये सदन की कार्यवाही से बाहर। लेकिन एक बात और आदर्श जी, अब संसद की कार्यवाही से बाहर का मतलब भी बदल गया है और इसको ठीक नहीं किया गया है, ये सही वक्त है जब हम इस पर एक बार फिर बोलना चाहते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के बीच अक्सर बोलते हैं कि संसद की कार्यवाही का जब से सीधा प्रसारण शुरू हुआ है, संसद की कार्यवाही से शब्द हटाने की जो प्रचलित परंपरा है उसका कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में ट्विटर पर सोशल मीडिया पर मौजूद होता है, तो हम हटा कहां पाते हैं जीवन से कि संसद में क्या कहा गया है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रेम सर, और सब जगह ये बयान फैला हुआ है, चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देख लीजिए, सब जगह ये बयान फैला हुआ है, लोग शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, और उसके अलग अलग मायने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। समीर सर, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा, बड़ा सवाल ये है, किसी दूसरी पार्टी का सांसद होता है उस पर कार्यवाही हो जाती है, लेकिन अगर बीजेपी के सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कड़ी फटकार की बात अभी तक सामने आई है। बिल्कुल आदर जी, ये जो घटना घटी है लोकसभा के अंदर, और वो भी ऐसे लोकसभा में जो नई बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग के अंदर पहली बार जब सदन बैठा था, विशेष सत्र बैठा था महिला आरक्षण को लेकर, और जहां पर एक सार्थक चर्चा हो रही थी, उस समय इस तरह का सत्ता पक्ष के सांसद के द्वारा शब्दों का प्रयोग, किसी धर्म के खिलाफ बोल देना, और
बहुत आपत्तिजनक है, इसे किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी रमेश विदुडू जो दक्षिण दिल्ली के सांसद है उनके बयान पर शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी और कहा है कि भविष्य में अगर इस तरह की घटना हुई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जेपी खबर यह भी है कि जेपी नड्डा ने फोन करके रमेश विदुडू को डांट लगाई है। जो अभी का लेटेस्ट अपडेट में आपको बता रहा हूँ कि जेपी नड्डा ने रमेश विदुडू पर नाराजगी जाहिर की फोन करके। लेकिन ये इन सबके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई अधिकारी को लेना चाहिए। हालांकि सत्र 5 दिन का था, कल सत्र का समापन हो गया, तो इसी स्थिति में अगर सत्र आज चल रहा होता तो मुझे लगता है कि पार्टी जरूर इस पर कार्रवाई करके उन्हें एक दिन के लिए सत्र से निलंबित भी किया जा सकता था। चूंकि सत्र कल खत्म हो गया है तो अब आगे की कार्रवाई करने के लिए लोकसभा स्पीकर के पास बहुत ज्यादा स्पेस बचा नहीं है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर क्या कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर सत्र के दौरान या तो उसको उसी वक्त बाहर कर देते कि भाई तत्काल आगे की कार्रवाई के लिए बाहर कर दिया जाता है आपको, या पूरे सत्र के लिए बाहर कर देते। तो अब कल का आखिरी दिन सत्र का था, मुझे ऐसा लगता है कि क्या जो पीठासीन अधिकारी थे उन्हें इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रमेश विदुडू को बचे हुए समय के लिए सत्र से बाहर कर देना चाहिए था, जिससे सभी सांसदों के भी यह संदेश जाता। और रमेश विदुडू की तो बार बार इस तरह की आदत है, आप देखिए 2014 में भी जब उनकी पप्पू यादव और एक और ओबीसी के साथ जब बहस हुई थी तो उन्होंने ओबीसी को कह दिया था कि आप पाकिस्तान चले जाओ, इस बात पर भी बहुत भवंडर मचा था। अनंत कुमार ने रमेश विदुडू को डांटा था बुरी तरीके से और बाद में रमेश विदुडू ने इस बात के लिए माफी मांग ली थी ओबीसी के साथ। तो मुझे लग रहा है बेसिकली ये कोई भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी असंसदीय भाषा, किसी भी असंसदीय आचरण का समर्थन नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि भाई ये लोकतंत्र की जननी भारत है, लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ पर आप सार्थक चर्चा कीजिए। सर लेकिन इस पर तो फिर चलिए राजनाथ सिंह जी ने माफी मांग ली, वो बात मैंने मान ली, लेकिन सवाल ये है इस पर तो फिर बीजेपी के सीनियर नेताओं के कम से कम ट्वीट ही आ गए होते ना कि ये भाषा स्वीकार योग्य नहीं है, और जो भी हमारे नेता हैं, प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी भाषा पर संयम रखें, क्या कहना है और खास करके जब सदन में बोल रहे हो तो उस पर संयम रखें। मंत्री प्रहलाद जोशी का इस संदर्भ में ट्वीट जरूर आना चाहिए था, या उनका बयान जरूर आना चाहिए था जो फिलहाल अभी तक नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी रमेश विदुडू पर कार्रवाई कर सकती है। अब वो कार्रवाई किस स्तर की होगी, कितनी होगी, कब होगी, इसके बारे में मैं पुख्ता कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह तय है कि पूरी पार्टी को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है रमेश विदुडू के इस बयान से। प्रधानमंत्री मोदी कभी भी अपने सांसदों से, हमेशा संसद दल की जब बैठक होती है हर मंगलवार को सत्र के दौरान, तो यही कहता है कि संसद में आपको सार्थक चर्चा में हिस्सा लेना है, आपको विपक्ष से अगर किसी बात से नाराजगी भी है तो आपको एक मर्यादा का पालन करना है, कभी भी उत्तेजित होकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जिससे पूरी पार्टी को या सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना। नहीं, ये सवाल मैं आप दोनों से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप दोनों बहुत अच्छे से बीजेपी की राजनीति को देखते रहे हैं और चार चरित्र और चेहरा और शुचिता की राजनीति की बात होती है, उसके बाद लोकसभा में एक सांसद इस तरह की भाषा, प्रेम सर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, ट्वीट करके उन्होंने निशाना साध दिया है कि भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर की जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। ये तो आप मौका दे रहे हैं, एक तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में गलत है ही, मंशा का भी, और दूसरा आप मौका भी दे रहे हैं। देखिए आदर्श झा जी, असदुद्दीन ओवैसी जो व्यक्त कर रहे हैं बहुत लोग उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन समीर जी गवाह हैं, हम लोग रहते हैं टीवी पैनलिस्ट के बीच में, तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं। हो सकता है समीर जी को उसी तरह वो बातें दिखाई नहीं देती हो जैसा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को आज नहीं दिख रहा था या फिर रविशंकर जी को नहीं दिख रहा था, लेकिन थोड़ा सा नहीं, मैं कड़ी मस्तरा करता हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। नहीं, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको थोड़ा सुनेंगे समीर जी। वो होता क्या है, कोई पैनलिस्ट साथी अगर वो मुसलमान है तो साथ जो बीजेपी के समर्थक पैनलिस्ट होते हैं या बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं उस व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषक के बजाय मुसलमान समझ करके उस पर तुम्हारा समुदाय यस इस तरह से टिप्पणियां करते हैं और धिक्कारते हैं, फटकारते हैं, पाकिस्तान जाने की बात तक कह डालते हैं, ये खुलेआम होता है। मैंने कई बार इंटरवीन किया है कि वो मुसलमान है तब आप ये कह रहे हैं, मैं वही बात मैं हिंदू होकर बोलता हूं, अब आप मुझे बोलिए उन्हीं शब्दों में कि क्या बोल सकते हैं। मैंने हमेशा इसको इस रूप में देखा है, कई बार एंकर अगर मुसलमान हो गया तो फिर वो भी टारगेट हो जाता है। तो ये नफरत की भाषा जो है भारतीय जनता पार्टी की सियासत ने पैदा की है, ये बात मानना पड़ेगा। नफरत की भाषा, जब अनुराग ठाकुर ने कहा था कि गद्दारों को गोली मारो
तब बीजेपी खड़ी हो गई थी कि हमने तो गद्दारों को बोला गोली मारने, गद्दार को गोली मारना कौन सी सही गलत बात है। लेकिन सवाल उसी समय हुआ था कि उठाता कि जब एक मंत्री खुद तय करेगा, लोगों को कहेगा कि गद्दार तुम ही सेलेक्ट करो और तुम ही गोली मारो, तो न्याय व्यवस्था का मतलब क्या है। आज संसद में बीजेपी के सांसद ने एक अपने ही साथी को गद्दार बताया है, आतंकवादी उग्रवादी और गंदे गंदे शब्द बताए हैं। तो उस समय क्या अनुराग ठाकुर जी को आके गोली नहीं मार देना चाहिए, गद्दारों को गोली मारो, रमेश भिदोड़ी गद्दार तय करेंगे, अनुराग ठाकुर गोली मारेंगे, ये पूरी पूरा एक वातावरण है। नरेंद्र मोदी जी ने दीदी ओ दीदी बोला था हम लोगों को, हम लोग जब बोल रहे थे कि ये भाषा सही नहीं है, बीजेपी के नेता कहते थे इसमें क्या बुराई है, दीदी ओ दीदी ही तो बोले सर। लेकिन राजनीतिक तंज और सड़क छाप भाषा में थोड़ा तो फर्क होगा सर। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ तो उसमें भी फर्क बता रहा हूँ। वो दीदी ओ दीदी थोड़ा सा बढ़ करके आज किस रूप में आया, ओए ओए और उसके साथ गंदे शब्द, ये ओए कितना खतरनाक है, ये सुन करके ही बयां हो सकता, मैं उसको बयां नहीं कर सकता। तो ये प्रधानमंत्री जी से शुरू किया हुआ है कि उसकी शुरू हुई की हुई शब्दावली है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी विरोध करती है, बीजेपी ने अब तक विरोध नहीं किया है। संसदीय जो मामलों के मंत्री हैं चुप हैं, बीजेपी के नेता चुप है। ये खबर फैलाई जा रही है कि जेपी नड्डा जी ने फोन किया है और विरोध किया है, अरे फोन किया हम लोग देखने गए क्या? आप तो लोग तो देख रहे हैं संसद में कि सब हंस रहे हैं, सब साथ दे रहे हैं। और इसलिए राजनाथ सिंह का जो जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान माना जाएगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से, संसदीय पार्टी के नेता की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया है, ये पूरी बीजेपी की कार्य संस्कृति। यही मेरा सवाल है प्रेम सर, समीर सर देखिए, यही मेरा सवाल है जो प्रेम सर कह रहे हैं, और यही मैंने पूछा भी था आपसे कि पार्टी के सीनियर नेता ने उनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आई, माफी मांग ली, लेकिन जो एक सिस्टम के हिसाब से माफी मांगी जानी चाहिए थी, जिस कार्रवाई की बात होनी चाहिए थी, ठीक है अभी सत्र खत्म हो गया, लेकिन कार्रवाई के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना लोकसभा स्पीकर के पास, आने वाले सत्रों को लेकर के भी है, कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज तो देना होगा ना कि कल को आपका कोई और सांसद खड़ा हो जाए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लोकसभा में करे, या फिर कोई रोक ही नहीं लगाना चाहता क्योंकि वो अपनी पार्टी का सांसद है, मतलब कड़वा कड़वा जो है वो थू और मीठा मीठा गप। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई स्पष्ट कोई समर्थन है रमेश भिदोड़ी के बयान को। विपक्ष अगर ये चाहता है कि इस पर और कड़ी कार्रवाई हो, राजनाथ सिंह ने खेत पकड़ कर दिया है, अगर ये राजनाथ समीर सर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि केवल कड़ी फटकार ही इस पर बेस्ट कार्रवाई है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष को लगता है कि इस मामले में और बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो विपक्ष इसका एक सिस्टम है, विपक्ष लिखित में लोकसभा स्पीकर को लिख के दे कि हम सिर्फ राजनाथ सिंह जी की कड़ी फटकार से और खेत पकड़ करने से हम सहमत नहीं है, रमेश भिदोड़ी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई की जाए। जो लोकसभा के रूल बुक पे लिखा है संसद के संसदीय आचरण के लिए जो पनिशमेंट है उसका वो जिक्र करे, और जिस श्रेणी में आता है उसकी वो लोकसभा स्पीकर से मांग करे, लोकसभा स्पीकर उस पर विचार करेंगे और उन्हें जो उचित लगेगा उसके ऊपर निर्णय लेंगे। सिर्फ विपक्ष ट्विटर पे ये कहता रहे कि गलत हुआ, ये गलत हुआ, उससे तो कुछ होगा नहीं ना। अगर उन्हें लगता है कि लोकसभा के अंदर जो बयान दिया गया है उस पर लोकसभा स्पीकर कार्रवाई करे, तो उन्हें उचित कार्रवाई का जो सिस्टम है उसे फॉलो करना। एक बार समीर सर, प्रेम सर कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक बार सुन लेते हैं फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। विपक्ष कार्रवाई के लिए कहेगा तब कार्रवाई होगी, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है आपकी टिप्पणी से। विपक्ष के बिना कहे भी, मेरा वही कहना है, विपक्ष के बिना कहे भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने उन्हें फटकार लगाई है, राजनाथ सिंह ने बिना कहे इसको खेत मांग लिया, राजनाथ सिंह से कहा था कि आप खेत मांगिए। नहीं नहीं, जैसे संजय सिंह पर कार्रवाई की गई, राघव चड्ढा पर कार्रवाई की गई, उसमें मुझे लगता नहीं कि किसी ने जाके, राज्यसभा में जब कार्रवाई हुई थी राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने लिखित में दिया था कि राज्यसभा के सभापति के आसन के सामने इन्होंने असंसदीय कार्य किया है, इन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए, और ये पत्र देने के बाद कार्रवाई हुई। यही तो समीर सर सवाल है ना, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, तो कोई लिख के देने को तैयार नहीं हुआ, अब वहां पर जो जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने दे दी, यहाँ पर कौन देगा? देखो इसमें मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी सहमत नहीं होगा, रमेश भिदोड़ी जो कहा इससे कोई सहमत नहीं होगा। क्या रमेश भिदोड़ी के समर्थन में कोई ट्वीट आया है क्या कि नहीं रमेश भिदोड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, इसका समर्थन देते हैं? जिसने भी ट्वीट किया उसके विरोध में ही ट्वीट किया है। ये हो सकता है कि कुछ नेताओं ने इस मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि बयान लोकसभा के अंदर दिया गया है तो लोकसभा की जो कार्रवाई के प्रोसेस है विपक्ष उसका पालन करें, लोकसभा स्पीकर से मांग करें। अगर लोकसभा स्पीकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं
तो वो कह सकते हैं कि भैया पक्षपात पूर्ण रवैया है कि संजय सिंह को तो ये बाहर कर देते हैं, राघव चड्ढा पे तो कार्रवाई कर देते हैं लेकिन पार्टी अपने नेताओं पे नहीं करती। विपक्ष उसकी मांग तो करे लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख के दे किसने रोका विपक्ष को, लोकसभा स्पीकर विचार करेंगे निर्णय लेंगे, विशेषज्ञ समिति को भी ये मामला भेजा जा सकता है कि ये किस तरीके से उनका आचरण किया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार को, एक सांसद के व्यवहार को पूरे पार्टी का व्यवहार नहीं माना जा सकता। ये बात आपकी मैं मान लेता, लेकिन एक सांसद लोकसभा में खड़े होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है लोकसभा में, जब उसको पता है कि उसके तमाम सीनियर लीडर्स भी वहां मौजूद हैं और उसी पक्ष की सरकार है, उसके बाद इस तरह की भाषा, तो इस तर्क को हम कैसे गले उतार लें, बताइए आप। मैं बिल्कुल मान्य करता हूँ, किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी, और मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे खुद इस बात का बहुत खेद है और मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ जो रमेश विधुड़ ने कहा है। लेकिन कार्रवाई तो हम तो निंदा ही कर सकते हैं ना, कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई तो लोकसभा स्पीकर करेंगे। कब करेंगे, जब विपक्ष उनको चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग करेगा। मैं विपक्ष कहना चाहता हूँ कि अगर राजनाथ के बयान के बाद भी अगर वो सहमत नहीं, उन्हें लगता है कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए, तो समीर सर जल्दी से पार्टी तो कार्रवाई कर सकती है ना, जेपी नड्डा तो कोई मैसेज दे सकते थे ना, चाहे ट्विटर हैंडल पर ही आकर दे सकते थे। बता रहा हूँ जेपी नड्डा जी ने फोन पे उसमें नाराजगी जाहिर की है। और नहीं, अब फोन पर किसने क्या बात की, मैंने आपने फोन पर क्या बात की या मैंने और प्रेम जी ने क्या बात की, इससे किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है सर। ये कहना है आप 24 घंटे 48 घंटे का इंतजार कीजिए, कल शाम को भी भारतीय जनता पार्टी की इसी संदर्भ में बैठक होने वाली है। रमेश विधुड़ी का मैटर नहीं है, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनाव को देखते हुए कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता शाम को कार्यालय में बैठने वाले, हो सकता है रमेश विधुड़ी के बयान पर चर्चा हो और पार्टी को अपना स्टैंड जारी करे, हो सकता है रात तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का कोई बयान आ जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा बयान है कि इसे प्रधानमंत्री खुद कभी स्वीकार नहीं करते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तीन तलाक वही लेके आए थे। प्रेम सर मैं आपको ला रहा हूँ इस चर्चा में, रोक रहा हूँ आपको समीर सर। प्रेम सर एक बात मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है मैं इस बात से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ कि एक सांसद के कहे गए शब्दों से पूरी पार्टी के लिए हमें एक छवि निर्धारित नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है उस एक सांसद की भी हिम्मत लोकसभा के भीतर चर्चा के दौरान ऐसे क्यों हो गई कि अपने ही एक सहयोगी सांसद को दूसरी पार्टी के सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, ये हिम्मत कहाँ से आ गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, लेकिन उससे पहले समीर जी ने एक दो बात कही है, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, दर्शकों ने भी गौर किया होगा कि स्पीकर इसलिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि अब कार्यवाही के लिए एक ही दिन बचा हुआ, एक घंटा भी बचा हुआ हो तो शेष सत्र के लिए निलंबित करना एक बड़ी बात होती है, तो शेष सत्र के लिए भी निलंबित किया जा सकता था और भी एक्शन लिए जा सकते थे, लेकिन कोई एक्शन दिखा ही नहीं, तो ये नहीं माना जा सकता कि एक ही दिन बचा है इसलिए उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ये तो हो ही नहीं। दूसरी बात है कि समीर जी खेद प्रकट कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, समीर जी का न उधो का लेना न माधो का देना, न रमेश विधुड़ जी ने समीर जी से पूछ के अपशब्द कहे, न समीर जी उनके बिहाप में बोल सकते हैं, लेकिन समीर जी खेद प्रकट कर रहे हैं तो ये बात भी मुझे नहीं पची। तीसरी बात है कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और दूसरे जो लोग हैं सभी धर्मों का आदर करते हैं, अरे आदर करते हैं इसी की तो परीक्षा भी होनी है, हमें नहीं दिख रहा है कि वो आदर कर रहे हैं। आपका सांसद खुलेआम संसद में बैठ करके मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी बता रहा है और न जाने क्या क्या कह रहा है, लेकिन सब बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है कि आप आदर कर रहे हैं, पूरी सरकार आदर करती नहीं। प्रेम जी मेरी एक लाइन तो सुन लो, प्रेम जी एक लाइन मेरी सुन लीजिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाती है। ठीक है आपके तर्क आ गए, आपकी बात आ गई, आपके बाद मैं ये बातें कह रहा हूँ, ये परीक्षा की घड़ी है, यहाँ खड़ा होकर सबसे पहले बोलना चाहिए था कि इस तरह की भाषा गलत है, नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आप सभी धर्मों का आदर नहीं कर रहे हैं, ये बात भी यहीं पर साथ साथ प्रूव हो जाती है। अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ आदर जी, ये जो स्थिति बनी है हम कैसे मान ले कि एक व्यक्ति का आचरण है, एक सांसद जब बोलता है पार्टी की तरफ से संसद में अपनी बात रखता है, पार्टी के नेता हंस रहे मुस्कुरा रहे होते हैं, ये सारी स्थितियां हैं। इसके उलट अभी आपको याद होगा उस सनातन विवाद में जो तमिलनाडु में एक शिक्षा मंत्री ने एक बात कही सनातन को लेकर के, मैं उसके कंटेंट में नहीं जा रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि ये पूरा इंडिया का बयान है, पूरा इंडिया का बयान हो गया, वो एक तमिलनाडु का मंत्री ने कहा, लेकिन संसद कह रहा है आप ही क्या गठबंधन के
मंत्री ने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सहमति है इसके ऊपर सनातन के खिलाफ बोलने की। एक व्यक्ति ने कहा, बोला था समीर जी, एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि जो भी बात आप कह रहे हैं कि सबकी सहमति है, उस एक व्यक्ति के बयान को पूरे इंडिया का बयान मान लिया गया, तब तक जब तक, जबकि इंडिया के तरफ से खंडन भी आया, सब कुछ आया, लेकिन यहाँ पर संसद जो रिप्रेजेंट करता है अपनी पार्टी को लोकसभा में, वो बयान दे रहा है, और आप कहते हैं कि ये उसका व्यक्तिगत बयान है, सब लोग इंडोर्स कर रहे हैं, हंसना मुस्कुराना। यही सवाल है प्रेम सर, समीर सर जल्दी से जवाब दीजिए, समय थोड़ा कम है, जल्दी से आप जरा जवाब दीजिए। मेरा यह कहना है कि अधर रंजन चौधरी ने जब लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी और उन्हें संसद से निलंबित कर दिया गया था, लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था सत्र के लिए, तब कांग्रेस का क्या कहना था? कांग्रेस का यह कहना था कि अधर रंजन चौधरी का व्यक्तिगत बयान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मतलब अगर अधर रंजन कहते हैं तो वो उनका बयान होगा, कांग्रेस का बयान नहीं होगा, आप मुझे बताइए। और जहां तक सनातन की बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कहा था, तो खाली डीएमके की शिक्षा मंत्री ने सनातन पर बयान नहीं दिया है, उसके ऊपर तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे का बयान है, उसके ऊपर तो राष्ट्र आरजेडी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, उसके ऊपर तो और अन्य नेताओं का बयान है, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। तो मेरा ये कहना है कि लगातार सनातन पर चार पांच पार्टी के नेता अगर बोल रहे हैं तो इसे एक व्यक्ति का बयान कैसे माना जाएगा? ये माना जाएगा कि सभी पार्टी, ठीक है जल्दी से जवाब ले लेते हैं। प्रेम सर, छेद तो सबकी नाव में है और सबकी नाव डूबती हुई दिख रही है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरे दल हो, जब अपनी बारी आती है तो सबके अपने तर्क आ जाते हैं। नहीं, ये मंकी बैलेंसिंग होगा आदर्श जाजी की, इतने घृणित काम को आप विपक्ष के आचरण से बराबर करके इक्वेट। मैं किसी के आचरण से बराबर नहीं कर रहा हूँ सर, बराबर कर रहा होता तो हम ये चर्चा ही नहीं करते, और इसीलिए सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कार्रवाई के नाम पर कड़ी फटकार क्यों? कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी के बड़े नेताओं को खड़े होकर कहना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया पर आए। आज इतना बड़ा इवेंट किया गया बीजेपी दफ्तर में, उसके बाद एक बयान आ सकता था इस पर, कब सदन छोड़ के जाता कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम सदन में नहीं आएंगे, विपक्ष सदन छोड़ा था क्या? ये गलती विपक्ष की है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर जी, गलती विपक्ष की है, बिल्कुल सही, यू आर राइट। अपनी बात को बताना पड़ेगा ना कि हम कार्रवाई चाहते हैं, विपक्ष टूटने पर कार्रवाई की मांग, विपक्ष बिल्कुल कार्रवाई नहीं चाहता, चाहे सांसद सदन में नंगा होकर नाचे, विपक्ष को कुछ नहीं कहना, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष को कोई जरूरत नहीं है, वो देश की जनता के सामने नग्न हो रहे हैं, विपक्ष नहीं बोलेगा तो एक्शन नहीं होगा क्या? लोकसभा रूल 374 और लोकसभा के रूल 375 में कार्रवाई की मांग करे, विपक्ष नहीं मांग करेगा, मैं कहता हूँ। समीर सर देखिए, सब कोई इस भाषा को सपोर्ट नहीं करता है, आप दोनों के तर्क अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या इस तरह की भाषा पर कार्रवाई करने के लिए रूल बुक का इंतजार करना होगा? इस तरह की भाषा पर कार्रवाई करने के लिए हमें यह सोचना होगा कि जब तक कहीं से शिकायत नहीं आएगी हम तब कार्रवाई करेंगे? क्या इस तरह की भाषा पर कार्रवाई करने के लिए हम इंतजार करेंगे कि विपक्ष वॉकआउट कर जाए? इस पर तो तत्काल किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, उस वक्त नहीं हुई, और जिस तरीके से आपने कहा ठीक है उसके बाद अब पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को आगे आना चाहिए था, जेपी नड्डा आज बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे, उसके बाद वहां से वो कोई संदेश दे सकते थे, और ये सिर्फ रमेश पिथोड़ी के लिए नहीं होता, सबके लिए होता और सबके लिए क्लियर होता कि सबको सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, और इस तरह की भाषा किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल नहीं होगी, और लगातार जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती इससे जुड़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका समीर सर, प्रेम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।